क्या आपको पता है कि अर्थ पर ऐसा कौन सा पत्थर है जो कि सबसे ओल्डेस्ट पत्थर है? या फिर क्या आपको पता है कि धरती पर सबसे गहरा जगह कहाँ पर है? तो इस वीडियो में आप कुछ ऐसे ही कमाल के फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। फैक्ट नंबर 7, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपको मच्छर काटता है तो वो आपकी बॉडी से थोड़ा खून अपने अंदर टान लेता है, लेकिन अगर एक मच्छर आपके शरीर से थोड़ा खून टानता है तो ऐसे कितने मच्छर लग जाएंगे जो आपके शरीर से पूरा खून ही साफ कर दें? जब एक मच्छर आपको काटता है तो वो आपके शरीर से 0.000005 लीटर ब्लड निकाल लेता है, और इंसान के शरीर में टोटल ब्लड 4.5 लीटर से 5.5 लीटर तक होता है। तो इसके हिसाब से करीब 12 लाख मच्छर मिलकर अगर एक एक करके आपके शरीर को काटने लगे तो आपके शरीर में खून बचेगा ही नहीं। और क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मौत किसी और जानवर के काटने से नहीं बल्कि मच्छर के काटने से होता है? फैक्ट नंबर 6, ये जो आप देख रहे हैं ये तो आपको पता होगा कि एक माइक्रोवेव है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके इन्वेंट होने के पीछे का हिस्ट्री क्या है? पर्सी स्पेंसर जो माइक्रोवेव के इन्वेंटर थे वो अमेरिकन अप्लायंस कंपनी के एक रिसर्चर के पोजीशन पे काम करते थे। तो नॉर्मली हर रोज की तरह वो उस दिन भी किसी चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, और वो अपने पॉकेट में कैंडी बार रखे थे ताकि अगर उनको भूख लगे तो वो बीच बीच में खा सके। तो हुआ कुछ ऐसा कि रिसर्च करते वक्त उन्होंने देखा कि उनकी पॉकेट का जो कैंडी है वो पिघलने लगा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण, और तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक मेटल बॉक्स बनाया जाए जिसमें माइक्रोवेव को पास करके फूड को गर्म कर सके, और इस तरह से अनजाने में माइक्रोवेव का इन्वेंट हुआ। इस इन्वेंट के कारण उन्हें कंपनी की तरफ से सिर्फ $2 मिला। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि सन 1991 में माइक पोवेल नाम का एक प्लेयर ने वर्ल्ड का सबसे लंबा जंप करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था? वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हर 2 सालों में एक बार होता है, और 1991 में भी टोक्यो में इसी तरह का वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर्नामेंट हो रहा था, और उस टूर्नामेंट में माइक पोवेल ने 8.95 मीटर यानी 29 फीट का लंबा जंप करके एक रिकॉर्ड ही बना डाला। इस रिकॉर्ड से पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड 8.90 मीटर का था जो कि 1968 में बनाया गया था। इसका मतलब है कि 23 इयर्स लग गए इस रिकॉर्ड को तोड़ने में। फैक्ट नंबर 4, 1971 में अपोलो मिशन के दौरान नासा के साइंटिस्ट को मून पर एक पत्थर मिला। जब उन लोगों ने उस पत्थर को रिसर्च के लिए अर्थ पर लेकर के आए तो उन्हें पता चला कि यह पत्थर आज तक का पाया गया सबसे ओल्डेस्ट पत्थर है। यह पत्थर करीब 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना था, और इसका नाम 14321 रखा गया। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि मून का एज अभी 4.5 बिलियन ईयर्स है, और इसका मतलब यह है कि जब मून क्रिएट हुआ था तब यह पत्थर उसी वक्त से वहां पर है। वैसे तो अर्थ पर भी ऑस्ट्रेलिया में एक पत्थर मिला था जो कि 4.4 बिलियन ईयर्स पुराना था। यह पत्थर अर्थ का सबसे ओल्डेस्ट पत्थर है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि जो वर्ल्ड में इतने सारे ओशियन है तो इसमें ऐसा कौन सा ओशियन है जिसका पानी सबसे ज्यादा गर्म है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि पर्शियन गल्फ का पानी सबसे ज्यादा गर्म होता है, जहाँ समर के सीजन में पानी का टेम्परेचर 90 डिग्री फारेनहाइट तक चला जाता है। इसके बाद जो दूसरा सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था वो 132.8 डिग्री फारेनहाइट तक था, जो कि रेड सी में मिला था। पर यह टेम्परेचर बस एक ही बार रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन पर्शियन गल्फ का पानी ऑलवेज उतना ही गर्म रहता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि जो आप हेडफोन यूज करते हैं सॉन्ग सुनने के लिए या फिर मूवी देखने के लिए, तो अगर आप हेडफोन 1 आवर से ज्यादा अपने कान में लगा कर रखते हैं तो इससे आपके कान में जो बैक्टीरिया है वो 700 टाइम्स बढ़ जाता है। आपको पता ही होगा कि कुछ बैक्टीरिया हमारे हेल्थ के लिए सही होता है तो कुछ हार्मफुल होता है, पर ये जो बैक्टीरिया है जो आपके कान में क्रिएट हो रहा है ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। इससे शायद आपको किसी तरह का रिएक्शन हो या फिर किसी तरह का इन्फेक्शन होने लगे, इसीलिए आप ज्यादातर कोशिश करें कि आप हेडफोन कम से कम यूज कर सके। फैक्ट नंबर 1, आप अपने लाइफ में जब भी समुद्र या बीच पर गए होंगे तो आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आया होगा कि यह समुद्र आखिर कितना गहरा होगा या फिर दुनिया का सबसे गहरा समुद्र कौन सा होगा। पैसिफिक ओशियन में मारियाना ट्रेंच नाम का एक जगह है जो कि मारियाना आइलैंड से 200 किलोमीटर ईस्ट में है। यह जगह को आज तक का सबसे डीपेस्ट लोकेशन माना जाता है। इस जगह की गहराई करीब 10,984 मीटर है। अगर इस जगह पर आप माउंट एवरेस्ट को भी रखें तब भी यह पानी से 2 किलोमीटर अंदर ही रहेगा। यह जगह इतना गहरा है कि सनलाइट भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। वैसे तो यह आज तक का सबसे गहरा जगह पाया गया है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में इससे भी अधिक गहरा वाला जगह कोई मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।